और फैक्ट ये है कि जब भी जहाज़ ज़मीन से ऊपर होता है तो मेरे दिल में धमाके हो रहे होते हैं। धमाके मतलब ब्लास्ट। तो ये बात उस टाइम की है जब मेरे दोस्त की मेरे पास कॉल आई और उसने मुझसे पूछा कि भाई चल रहे हो बाकू। मैंने उसकी बात सुन के कॉल कट करके बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या ब्रो? एंड देन आपको कैसा लग रहा है सफ़र करके? बताओ यार, वीडियो बन गई बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। आपको मेरी कंपनी कैसी लग रही है? सच बोलो सच बोलो सच। होटल रूम में ये कपड़े वपड़े उठवा के पड़े हैं। एक मोरिट कल जब मैं एयरपोर्ट से आया यहाँ से लेट गया और लेट के जब मैं उठा दोबारा का दरवाज़ा ऐसे खोला फ्रेश की तरफ गया तो यहाँ तो मुस्लिम शावर ही नहीं है। वहाँ धो के चेक किया तो ये एक जो ये लन लगा हुआ है अपने सिम ली थी तो सिम तो हमने बाय कर ली पर उसका पैकेज नहीं था। तभी उस्मान भाई ने जो है वो पैकेज कराने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट की क्योंकि उनको फेसबुक लाइव चलाना है। कार्ड चेक करें यार, शौकीन लोग हैं बहुत यहाँ के, बहुत नाइस पीपल हैं। थैंक यू जदा कल। शहर के दो बड़े नाइट क्लब हैं, एक तो सामने इन्फिनिटी है और एक बिल्कुल मेरे होटल के सामने एलिप्स के नाम से। पूछेंगे किसी से नाइट लाइफ का तो आपको इन दो क्लब्स के बारे में लाजमी दिखेगा या सुनने में मिलेगा। भैया एक नसीहत तो वही आज क्या कि जब भी आए ना तो किसी की बातों में ना इसको करेंसी एक्सचेंज कराएं आप अपने शहर में। करेंसी एक्सचेंज आप करवाएं अपनी कंट्री से। अभी मुझे आप लग रहे हैं 9,000 रुपये के पाकिस्तानी, समझ लो मैंने फेंक दिए। ये जला भी देता ना तो वो एक ही बात थी। सर्दी यहाँ बहुत टाइट है और गाड़ी हमारी भी तो वही हम मजा रहे थे भाई साहब कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरा जो दोस्त है उसका नाम है उस्मान और उस्मान के साथ ही मैं गया था यहाँ पर। और हम गए थे एक कंपनी के साथ, कंपनी के थ्रू, ट्रेवल कंपनी के थ्रू। तो हम एक ग्रुप में थे, तकरीबन 10 अफराद का ग्रुप था और काफ़ी अच्छे लोग हमारे साथ थे ग्रुप में। तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस थी, टाइम जो है सुबह आना है नीचे और हमारी जो गाड़ी है वो किस टाइम आएगी और ये सब जो है हमारी गाइडलाइन में शामिल था। तो मुझे तो वैसे भी बाहर नींद नहीं आती है लेकिन मेरी ड्यूटी होती है कि उस्मान साहब को उठाना है सुबह, वो उठते कम है और सोते ज़्यादा है। तो मैं इस होटल में तकरीबन 5 दिन रहा। 5 दिन में जो रातें मुझे मिली 4, उन 4 रातों में मैं अगर रात को 3-4 बजे सोया तो मेरी सुबह 8 बजे और चमच की आँख खुलती थी बगैर किसी अलार्म के। मुझे उस्मान को उठाना होता था, नाश्ता नीचे था फ्री। तो नाश्ता इस टाइम मैं कर रहा हूँ तो उस टाइम आप देख लें नाश्ते में होता क्या है। बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है, जरा और भी नाम पूछो।
अच्छा इससे पहले मैं दुबई भी गया था लेकिन वहाँ पर भाई एकदम इतनी गर्मी है। ये हमारे साथ भाई हैं और ये माशाल्लाह से बहुत तफरी इंसान है और ये जो है काफ़ी मज़े करवा रहे हैं। ये गाइड नहीं, गाइड तो आप नहीं करवा रहे, ये अकबर भाई फुल सेफ्टी में चल रहे हैं यहाँ पर। कैमरा ही बंद हो गया एंड टाइम पे, रुक जा। अबे आएगी भाई, फ्रेम आ गया, पूरी गली आ गई। पहले यहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही थी 1990 में, तो रशिया वालों को पता चला यहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही है, उन्होंने इनके जो सिविलियंस थे, लोकल लोग थे, उनको बहुत बेदर्दी से मारा था 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी के नाम से यहाँ पे एक जगह भी है और 20 जनवरी को ये ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। तो इसकी जो बेगम है ना, इसलिए जो है ना फर्स्ट टाइम में जो है ना सुसाइड करने की कोशिश की थी, सेकंड टाइम में सुसाइड करके फिर मरी थी भाई। फिलहाल यहाँ तक के लिए बहुत है, अब हम जाएंगे ओल्ड बाकू की तरफ और वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ का मतलब पुराना व्यू जो भी है। ओके जाता है, ये 7th century में आधा बना था और बाकी 12th century में बना था। और यहाँ पर पारसी जो थे वो इसके ऊपर अपनी जो उनके मरते थे वो उसको छोड़ देते थे और जो भी गिद्ध होते थे उनको वो आके खाते थे, फिर वो समझते थे हाँ अब ये जो है इसके सारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हो गए। बारे में ज़रा आप सुने, यहाँ पे जो शेफ़ था वो शीश मतलब खाने में चरस मिलाता था, तो लोगों को एडिक्शन होती थी, लोग यहाँ ही खाना खाते थे। ये बहुत दूर तक गया नहीं, मुझे मिला नहीं, किसी को नहीं मिला नहीं। गिला मुझे तेरी जात से नहीं, तेरी सौगात से नहीं, जो तकदीर में लिखा था वो मिटा नहीं, वो झुका नहीं, वो मिला नहीं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका दिल दुख रहा है वापस पाकिस्तान जाते हुए, तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। भैया ये व्लॉग बड़ी मुश्किल से एडिट हुआ, मैं मैंने अपनी सारी एक्सपर्टीज लगा दी हैं जो मुझे अब तक जो मैंने यूट्यूब से देख देख के जो मैं कर रहा था। 2 दिन लगे इस व्लॉग को एडिट करने में, क्योंकि इस व्लॉग को जब मैं शूट कर रहा था तो मेरे जहन में नहीं था कि मैं इसकी इस तरह वीडियो बनाऊँ, एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी। तो जहाँ देखा तो कुछ वीडियो मैंने ऐसे बना दी, कुछ वीडियो ऐसे बनाई हैं, तो जो वीडियो मैंने ऐसे बनाई हैं वो ख़राब हो गई हैं और जो ऐसे बनाई हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक दो मिनट